अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरिन के ब्लॉग चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ भी करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सभी को अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दौलत शोहरत इज्जत से नवाजे मेरा मालिक, आमीन सुम्मा आमीन। और जो भी मैंने दुआ आप लोगों के लिए की हूँ दोस्तों, आपके हक में दुआ की हूँ, अल्लाह ताला उसे कबूल करे सुम्मा आमीन। तो दोस्तों हो गई है बहुत प्यारी सी गुड मॉर्निंग और अब हम लोग भी उठ चुके हैं। अभी फटाफट से काम करना है, काफ़ी सारा सामान आया है गांव से जो आप लोगों के साथ में शेयर करना है, जैसे कि देसी घी, देसी अंडे माशाल्लाह से, और बहुत सारी चीज़ें अभी तो मैंने ओपन भी नहीं की हूँ, मैंने देखी भी नहीं हूँ। हमारे ससुरे गए थे गांव तो वहाँ से उन्होंने लेके आए, हम लोगों ने मंगाए, उन्होंने लेके आए वहाँ से। तो अभी हम सब वो सारी ही चीज़ें आपको भी मैं ओपन करके बताती हूँ कि क्या क्या आया और क्या नहीं। और उसी के साथ में आज है सोहेल का कॉलेज का एडमिशन का टाइमिंग, तो हम लोग जाने वाले हैं कॉलेज में भी उसके एडमिशन करने के लिए। तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और अभी चलते हैं सब में पहले तो किचन में, आज मन हो रहा है गुड़ घी और रोटी खाने के लिए, तो आज नाश्ते में गुड़ घी और रोटी ही बनेंगी, गुड़ की रोटी बनेंगी, घी है उसी के साथ में आज हम लोग नाश्ता करने वाले। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किचन। तो दोस्तों जैसे कि देखो यहाँ पे आ गया घी, इसको खोल लेंगे। यहाँ पे बम्बई में भी घी वगैरह मिलता है लेकिन जो एक ओरिजिनल घी होता है वो नहीं मिलता है यहाँ पे, यही बात हो जाती है, इतने सारे पैसे दो और वो घी नहीं मिलता है। तो मैं इसके पहले तो मैंने स्टार बाजार से घी लेके आई थी दो तीन बार, दो तीन डब्बे जो आपको सामने दिख रहा होगा ये वाला स्टार बाजार का, ये भी घी थोड़ा अच्छा है, मतलब सब घीओं से तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। देखिए इस तरीके से आया है, नीचे पूरा घी जम गया, ऊपर थोड़ा सा ऑयल है, ये घी का जो पिघल गया होगा। देखो कितने बंदोबस्त से लेके आए उन्होंने, अल्लाह ताला अच्छा रखे उनको हमारे सर पे हमेशा, पाक परवरदिगार जो भी बड़े बुड्ढे होते हैं अल्लाह ताला उनको सभी को अच्छा रखे हमारे सर पे, दुआ है उनकी, उनका प्यार, उनकी समझ, ये सारी चीज़ें देखो कैसा इतने हिफाजत से लेके आए उन्होंने, बताओ। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं गोल रोटी, आपको मैं बताती हूँ एक बना के कैसे बनाते हैं। मैं तो बहुत छोटी सी बना रही हूँ, छोटी छोटी रोटी बनाऊँगी इसकी। और वो जो मैंने घी के डब्बे में है दोस्तों गुड़ रखी हूँ, ये देखिए ये गुड़ एकदम ओरिजिनल वाला गुड़ है ये, इसको थोड़ा सा लेते हैं, पहले रोटी बेलेंगे, सेकेंगे। छोटी सी छोटी छोटी रोटी बनाऊंगी, तीन रोटी बना लूँगी, एक अपने लिए, एक एक बच्चों के लिए। अब वो बच्चे खाना चाहिए, खाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इतना भर के है ये बॉटल कि गिरे ना, एक तो बहुत महंगा आता है घी। हमारे गांव में भी अच्छा घी मिलता है, खुशबू आ रही, ओरिजिनल खुशबू आ रही है। अभी बहुत जगह पे बहुत कम हो गया घी मिलना, महंगा हो गया है, दूसरी बात क्या मिलावट करके दे देते हैं, ओरिजिनल घी नहीं मिलता है, बस यही बात होती है। देखें इस तरीके से यहाँ पे उल्टी पलटी करके इसको सेकेंगे मस्त। तो दोस्तों यहाँ पे रोटी हमारी सेकी गई है अच्छे से, थोड़ा गैस यहाँ स्लो कर दूंगी। अब इसके ऊपर लगाने की बारी आ जाती है गुड़, गुड़ तो ऐसा दिख रहा है माशाल्लाह, जैसा क्या बोलते थे इसको, वो रसमलाई, पहले राजमलाई एक चॉकलेट आता था हम लोग छोटे थे तभी ऐसे ही चॉकलेट होता था वो राजमलाई। इस तरीके से ऐसा पकड़ो आराम से और लगा लो, अगर आधी रोटी को लगा तो आधी रोटी को लगाओ, पूरे को लगा तो पूरे को लगाओ, थोड़ा गर्म हो जाएगा गुड़ भी तो खुद ही अपने आप मेल्ट हो जाएगा इस तरीके से। ओहो हो देखिए कितनी प्यारी हमारी रोटी लग रही है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम लोग थोड़ा सा तिल, ये इतना टेस्टी लगता है ना दोस्तों खाने में कि मैं आपको एक निवाला इसका खा के बताती हूँ। देखिए गर्म है बहुत ज़्यादा, बीच में से तोड़ेंगे इसको, इससे देखिए कैसा लग रहा है, बिस्मिल्लाह। कोई भी मिठाई
इसकी बराबरी नहीं करने वाली, अमेजिंग है। इजी सिंपल बच्चों को बना के दो, हेल्थ भी, सेहत भी और टेस्टी भी आप लोगों के लिए। अमेजिंग। तो दोस्तों आगे का काम करते हैं फटाफट और निकलना है बाहर भी, और आपको सामान भी बताती हूँ सब। तो दोस्तों आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ मूंग और बरबटी, जिसको मैंने रात भर से भिगो के रखा है। आज इसी का हल्का फुल्की ग्रेवी वाला रस्सा बनने वाला है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ सारे अंडे निकाल के रखी हूँ मैंने, और सारा सामान भी निकाल के रखी हूँ, जैसे कि 2 किलो गुड़ भी आया है माशाल्लाह से, और कितने 37 अंडे भी आए हैं, गौरान मुर्गी के गावटी अंडे है, एकदम ओरिजिनल वाले, घर से देवी मुर्गियों ने अंडे है ये। उसी के साथ में ये चुमड़ी के अंदर है, मेरे को तो लग रहा पीला मकई का आटा होगा दोस्तों, चलो तो देख लेते हैं। ओहो हो माशाल्लाह, ये देखिए ये है मकई का आटा, कितना सारा लाए रे, देखो मकई का आटा है इतना सारा। अब इसका रोज मकई की रोटी हम लोग खाने वाले हैं इंशाल्लाह। और उसी के साथ में घी भी आया है 1 लीटर, मैंने पहले भी घी बताई हूँ आपको, क्योंकि आज मैंने गुड़ रोटी तिल वाली जबरदस्त एकदम देसी नाश्ता कर ली हूँ। मेरा तो हो गया, बच्चे लोगों को तो डाल के रखी हूँ, उनकी मर्जी है। मम्मी मैं घोड़ा अंडा खाऊंगा अभी। हाँ तो तेरे को तो अंडा मैं तल के दूंगी, मेरे लिए भी एक तल लूंगी मैं अंडा, हम लोग खाते हैं और निकलने का है दोस्तों हमको भी। जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे है, अरे वाह, जवारी का आटा, ये देखिए ये सोलापुरी जवारी का आटा होगा, गाँव में जवारी अच्छी मिलती है, सोलापुरी जवारी का आटा होगा, और आटा बराबर पीस के देते हैं वहाँ पे प्रॉपर, जैसी अच्छी रोटी आती है जो आटे से वैसे ही आटा पीस के देते हैं। और ये भी आटा देखिए कैसा, यहाँ पे मैंने पीसी थी ना पूरा बुग्गा बुग्गा कैसे ही तो आया था, लेकिन देखिए कितना अच्छा आटा पीस के भेजे। चलो माशाल्लाह, जिसने भी ये चीज़ों के लिए हमारे लिए मेहनत की, खाला ने, अब्बा ने, उनको बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको हमेशा हमारे सर पे अच्छा रखे, सेहत तंदुरुस्ती से अल्लाह उनको नवाजे, उनके दिल में हमारे लिए प्यार मोहब्बत इज्जत भरे मेरा मालिक, और हमारे भी सभी के दिल में उनके लिए इज्जत प्यार माया मोहब्बत हमेशा कायम रखे मेरा अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों अभी अंडों को सबसे पहले तो धो के साफ करके मैं फ्रिज में रख दूंगी, और जो अंडे थोड़े बहुत टीचे हुए हैं उनका हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे एक सादा सादा आमलेट या चीला बना के हम लोग वो भी खा लेते हैं। तो दोस्तों इतने अंडे जो है ये टीचे हुए निकले, थोड़े थोड़े इनको दरारे हैं ऐसी, तो इनको तल के खा के खत्म करेंगे, और ये बाकी के अंडे मैं इसके अंदर ले लेती हूँ ताकि इन्हें अच्छे से धो लूँ। सबसे पहले तो इसको पानी डाल के थोड़ी देर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी गंदगी होंगी वो थोड़ा पानी से नरम पड़ जाती है, तो जल्दी जल्दी अंडे साफ हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा गावटी अंडा तैयार हो गया बनके, ये छोटा सा की बनता है, देखो तेल भी उड़ गया था, ये छोटा सा की बनता है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर की जो शक्ति होती है शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, तो वो शक्तिमान जम गया उसके अंदर का। यहाँ पे ये अंडा ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सलाद निकाल ली हूँ, जैसे कि गाजर, ये भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, ये भी जरूरी है, नीरा मुंह का चटका देख के फायदा नहीं दोस्तों, सेहत भी देखना पड़ेगा कि नीरा चटकेदार खा रहे माल मसाला, आप लोग भी खाया करो ये थोड़ा थोड़ा भी, तो ये अगर ऐसे नहीं खाया जाता, थोड़ा थोड़ा ऐसा बारीक खींच के रख लिए। उसी के साथ में फिर ये सारी चीज़ें ऐसे मिक्स करके हम लोग इसको खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मिला के माशाल्लाह से। एक प्लेट ऐसी तैयार कर लिए, और उसी के साथ में यहाँ पे मैं ले लूँगी मेरा अंडा भी, टडा टडा, ये देखिए यहाँ पे मेरे को थोड़ा तीखा चाहिए इसलिए मैंने इसको यहीं पे ऐसा कर लेती, बाबा बहुत ऑयल हो गया था इसमें। प्यारी मिर्ची हमारी तली गई है माशाल्लाह। चलो आज नाश्ता कर लेते हैं।